ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰਕਰ ਔਰ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੇਰਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਛਾ ਗਿਆ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜਾਗੋ ਉੱਠੋ ਸਾਥੀਓ ਜਾਗੋ ਉੱਠੋ ਸਾਥੀਓ ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਜਿਤਾਉਣੀ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ बनारस की सड़कों पर तेज बहादुर यादव जी का पर्चा जिस तरीके से निरस्त हुआ लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए तेज बहादुर बनारस की गलियों में जबरदस्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम किसी भी हालत में जिस तरीके से हमारा तानाशाही रवैया अपना करके पर्चा खारिज किया गया है हम यहां से मोदी जी को हरा करके भेजेंगे। अब बनारस की जनता भी तैयार है इस चीज़ को लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौजवानों में जोश और खरोश है, किस तरीके से लोग मिल रहे हैं। Hello, hello, hello.
देखिए विदेशी मीडिया भी आई है। असली चौकीदार वोट चौकीदार असली चौकीदार वोट पर साइकिल कॉलेज दिया असली चौकीदार वोट पर साइकिल जय हिंद सलाम नमस्ते साथियों। मैं कुणाल किशोर विवेक अभी गोपालगंज लोकसभा का प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। मैं इससे पूर्व एक बीबीएफ के रूप में ज्वाइन किया था पार्टी, उसके बाद कार्यकुशलता को देखते हुए मुझे मुख्य जोनल इंचार्ज बनाया गया, फिर पूरे दक्षिण बिहार को प्रभार दिया गया, फिर पूरे बिहार प्रदेश में लगाया गया और पार्टी आला कमान के आदेश पे मुझे एक प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि ये लोकसभा का चुनाव है, मैं अभी फिलहाल छात्र ही हूँ, स्कूल छात्र हूँ और घर परिवार की बात करें तो मेरे दादाजी मजदूरी किया करते थे, किसान थे, साधारण किसान थे। पापा प्राइमरी स्कूल में बिहार गवर्नमेंट में टीचर थे और मैं यहाँ शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल के पॉलिटिक्स तक एक्टिव रहा और उसके बाद पार्टी में आने के बाद मुझे आशीर्वाद मिला बहन जी का और यहाँ भेजा गया। तो आप लोगों के भरोसे, आप साथियों के भरोसे मैं यहाँ मैदान में हूँ और मजबूती से खड़ा हूँ। अपेक्षा है अपने समाज के लोगों से, सब समाज के लोगों से, सारे जो भी प्रगतिशील सोच के आदमी हैं जो भी है उनसे अपेक्षा है और आप लोगों के भरोसे में चूंकि खड़ा हूँ तो तन मन धन से सहायता अपेक्षित है। एक साधारण घर से आने के नाते जो लोकसभा एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और बहुत सारी खर्चे होते हैं बहुत तरह के, तो उसको लेकर के जरूर लोगों से जो भी प्रगतिशील सोच के लोग हैं उनसे सहयोग अपेक्षित है और मैं बहुत मजबूती से खड़ा हूँ। सहयोग की अपेक्षा है, अगर सहयोग मिलता है तो और भी अच्छा करूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी ओर से लगा हुआ हूँ 100% रिजल्ट देने में और आप साथियों का सहयोग रहा तो सफलता भी मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ पे जो स्थिति अभी फील की है इसलिए भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे सहयोग करें ताकि जो भी यहाँ का सीट है वहाँ पे हम दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जीत दर्ज कराएं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।